उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो हम दिखाना चाहते हैं। ये वीडियो वैसे तो आप देख चुके होंगे, लेकिन आज इसे एक नए नजरिए से, एक नए दृष्टिकोण से आप देखिएगा। ये वर्ष 2007 का वीडियो है, जिसमें वो लोकसभा में अपनी सुरक्षा और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर बहुत भावुक हो गए थे और रोने लगे थे। ये वीडियो आपने अब तक जरूर देख लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय योगी आदित्यनाथ को किसने रुलाया था? वो इतने भावुक क्यों हुए थे? ऐसा क्या उनके साथ हुआ कि वो लोकसभा में फूट फूट कर रोने लगे थे? और क्या वर्ष 2008 में मुख्तार अंसारी ने ही योगी आदित्यनाथ पर एक जानलेवा हमला करवाया था? हम आपको आज इन सभी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आप योगी आदित्यनाथ का ये वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये एक लैंडमार्क वीडियो है। इस वीडियो के साथ ही असल में ये कहानी शुरू होती है। सर मुझे बोले बोले, डोंट बी योगी जी, we all respect you. Please, you feel, we shall certainly look into it. I tell you. Actually, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। मतलब पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता, और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय, केवल राजनीतिक पूर्वाग्रह के तहत, केवल इसलिए क्योंकि मैंने वहां पर भ्रष्टाचार के मामले उजागर किए थे, क्योंकि मैंने भारत नेपाल की सीमा पर ISI और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाई थी और सदन में बराबर उसके खिलाफ सदन का ध्यान आकर्षित करता रहा, मैं वहां पर भूखमरी से हो रही मौतों के खिलाफ प्रशासनिक भ्रष्टाचार को उठाता रहा, इसलिए मेरे खिलाफ महोदय सारे के सारे मामले बनाए गए और बनाए जा रहे हैं। ये वीडियो आपने अब तक कम से कम एक बार तो देख ही लिया होगा, बहुत सारे लोगों ने तो कई कई बार देख लिया होगा। आपके सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर ये लगातार आप तक पहुंचा होगा, पूरे देश में लोग इसे देख चुके हैं। और आपने देखा कि योगी आदित्यनाथ वर्ष 2007 में तीसरी बार के लोकसभा सांसद थे, तीसरी बार चुनकर आए थे, लेकिन तब भी वो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो सुरक्षित नहीं है, उत्तर प्रदेश में कोई लोग हैं जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, और जो भी वो कह रहे थे वो आपने देख लिया, क्योंकि वो लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे थे, इसलिए कोई तो है जो योगी आदित्यनाथ को परेशान कर रहा था। अब वीडियो देखने के बाद कभी आपने ये सोचा कि योगी आदित्यनाथ को रुलाने वाला कौन था? आखिर ऐसी नौबत कैसे आई कि वो इतने भावुक हो गए? इसलिए आज आपको हम विस्तार से वर्ष 2007 की उस घटना के बारे में बताएंगे जिसका जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ लोकसभा में इतने भावुक हुए थे और रोने लगे थे, क्योंकि इस घटना के बारे में देश के लोगों को नहीं पता होगा। अब ध्यान से आप सुनिए, यह बात है जनवरी 2007 की, जब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी, और इस हिंसा के बाद गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार कर लिया गया था और वो पूरे 11 दिन तक गोरखपुर की जेल में बंद थे। बड़ी बात जो आपको सुननी है वो ये कि 11 दिन तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की जेल में बंद थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। गोरखपुर में ये सांप्रदायिक हिंसा इसलिए हुई थी क्योंकि वहां मुहर्रम के एक जुलूस के दौरान एक हिंदू समुदाय के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, और इस व्यक्ति का नाम था राजकुमार। ये व्यक्ति मुहर्रम के जुलूस में कैसे शामिल हुआ, इसे लेकर अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इन सभी कहानियों में इस बात का जिक्र जरूर मिलता है कि जब राजकुमार का नाम का यह व्यक्ति मुहर्रम के जुलूस में शामिल हुआ, तब पुलिस ने इसे अपनी हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन बाद में जुलूस में शामिल उग्र भीड़ ने इस व्यक्ति को गाड़ी से बाहर घसीट लिया और फिर पीट पीट कर सबके सामने खुलेआम
इस व्यक्ति की हत्या कर दी। इस घटना के बाद गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए और जब योगी आदित्यनाथ को इन दंगों के बारे में पता चला तो उन्होंने गोरखपुर में धरना देने का ऐलान किया, विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया और उस समय उन पर एक नफरती भाषण देने का आरोप लगा। हालांकि इस घटना के दौरान योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद नहीं थे, उनका ऐसा कहना है। वो उस समय कुशीनगर में थे और धरना देने के लिए सड़क मार्ग से अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर लौट रहे थे और जैसे ही उन्होंने गोरखपुर में प्रवेश किया उसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के निर्देश पर हुई थी। तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उन पर जिले की शांति भंग करने का आरोप लगाया गया था। ऐसा भी कहा जाता है कि योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति का नतीजा थी, क्योंकि उस समय वर्ष 2007 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले थे और राज्य के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को ऐसा लग रहा था कि अगर वो योगी आदित्यनाथ की गिरफ्तारी करवा देते हैं, उन्हें जेल में डाल देते हैं तो उससे मुस्लिम समुदाय खुश हो जाएगा और ये तुष्टिकरण उन्हें चुनावों में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के वोट दिला देगी। इसी दूषित राजनीति की वजह से योगी आदित्यनाथ को तब गिरफ्तार कर लिया गया और 11 दिन तक जेल में रखा गया। और बड़ी बात यह है कि जिस जगह से उन्हें गिरफ्तार किया गया था वहां से गोरखपुर जेल लगभग 5 किलोमीटर दूर थी, लेकिन ये 5 किलोमीटर का रास्ता तय करने में पुलिस को तब 7 से 8 घंटे लग गए थे और इस दौरान योगी आदित्यनाथ को डराने की बहुत कोशिशें की गई और उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया। इसी घटना के बाद जब वो संसद को जानकारी दे रहे थे तो उनका आक्रोश आंसुओं के जरिए पूरे देश ने देखा था। और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय लोकसभा में ज्यादातर पार्टियों ने उनका ही समर्थन किया था, चाहे वो विपक्ष हो या पक्ष हो, और ये कहा था इन तमाम राजनीतिक दलों ने कि एक सांसद को इस तरह गैर कानूनी तरीके से जेल में डालना अनुचित है और असंवैधानिक है। लेकिन यह हुआ और यह इसलिए हुआ क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार को उस समय मुसलमानों की वोटों की चिंता थी और उन्हें लगता था कि क्योंकि योगी आदित्यनाथ भगवा पहनने वाले एक हिंदूवादी नेता हैं, अगर उन्हें जेल में डाला जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा, अपमानित किया जाएगा तो उससे उत्तर प्रदेश का जो मुस्लिम वोटर है वो खुश हो जाएगा। और इस तरह से उन्हें 11 दिन जेल में रखा गया। वर्ष 2002 में जब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया था उस समय वो पूर्वांचल में हिंदू समुदाय के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे और इस लोकप्रियता की वजह से अलग अलग सरकारों में उन्हें मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के तहत बहुत दबाने की कोशिश की गई। वो हिंदू राजनीति के पोस्टर बॉय बन चुके थे, हिंदुओं के पोस्टर बॉय बन चुके थे, इसलिए किसी भी पार्टी को अगर मुसलमानों को खुश करना होता था तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ को पकड़ता था, उनका अपमान करता था, उन्हें डराता था, धमकाता था ताकि दूसरा जो पक्ष है वो खुश हो जाए। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से इतना परेशान किया जा रहा था उस समय उत्तर प्रदेश में माफिया अपराधियों को खुली छूट मिली हुई थी। तो एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे, इधर उधर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा था, अपमानित किया जा रहा था, दूसरी तरफ कुछ ऐसे अपराधी थे, माफिया थे जो लगातार ऊपर उठ रहे थे और इन अपराधियों में तब अतीक अहमद के अलावा एक नाम और था और उसका नाम है मुख्तार अंसारी। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद ये पता ही नहीं होगा कि मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से भी बड़ा और कुख्यात अपराधी है और इस माफिया को भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में खुलकर राजनीतिक संरक्षण दिया गया और एक जमाने में मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला कराने की साजिश भी रची थी, ऐसे आरोप है। ये बात है वर्ष 2008 की। अब आपको ये बताते हैं कि योगी आदित्यनाथ और मुख्तार अंसारी के बीच 36 का आंकड़ा क्यों है और क्यों मुख्तार अंसारी इस समय इतना डरा हुआ है, क्योंकि वो जानता है कि उसने 2008 में योगी आदित्यनाथ के साथ क्या किया था और अब योगी आदित्यनाथ शायद उस बात को भूले नहीं होंगे। ये बात है वर्ष 2008 की जब गुजरात के अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए थे और इन बम धमाकों के बाद कुछ संदिग्धों को उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया था।
उस समय योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर बहुत दुखी थे और उन्होंने आजमगढ़ में एक आतंक विरोधी रैली करने का ऐलान किया और इस रैली में शामिल होने के लिए वो जिस काफिले से गोरखपुर से आजमगढ़ आ रहे थे उसमें 100 से ज्यादा गाड़ियां थीं और सैकड़ों मोटरसाइकिल उस समय चल रही थीं। ये बहुत बड़ा काफिला था और ये रैली करने के लिए जा रहे थे आतंकवाद के खिलाफ आजमगढ़ में। लेकिन इसी दौरान रास्ते में उनके काफिले पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने पथराव कर दिया और इस काफिले में 7वें नंबर पर जो गाड़ी चल रही थी और जिस गाड़ी में योगी आदित्यनाथ के होने की खबर थी उस पर अचानक गोलीबारी शुरू हो गई और इसके बाद वहां काफी तनाव पैदा हो गया। बड़ी बात यह है कि इस हमले में योगी आदित्यनाथ की जान इसलिए बच गई क्योंकि इस यात्रा के दौरान जब वो चाय पीने के लिए एक जगह पर रुके तब उन्होंने बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी बदल दी। हालांकि अगर तब उन्होंने ऐसा ना किया होता तो उस हमले में कुछ भी हो सकता था और हो सकता है कि योगी आदित्यनाथ आज जिंदा ही ना होते क्योंकि उनकी गाड़ी पर, जिस गाड़ी में वो पहले चल रहे थे उस पर हमला किया गया, लेकिन उन्होंने बीच में क्योंकि अपनी गाड़ी बदल ली थी इसलिए वो बच गए। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर यह हमला कराने का आरोप लगाया, लेकिन दुख की बात यह है कि मुख्तार अंसारी को इस हमले के लिए आज तक कोई सजा नहीं हुई बल्कि उसे इनाम में लोकसभा चुनाव का टिकट देकर सम्मानित किया गया।